दोस्तों अगर आप अपने टेक्निकल स्किल्स को विंडो सर्वर 2019, विंडो सर्वर 2012, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और सीसीएनए राउटिंग एंड स्विचिंग में अपग्रेड करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कीजिए ताकि जब भी मैं कोई भी अपनी नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशेष मलिक है। इस वीडियो में हम लोग विंडो सर्वर 2019 में एक्टिव डायरेक्टरी कैसे इंस्टॉल करते हैं ये डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों एक्टिव डायरेक्टरी एक ऐसा डेटाबेस होता है जो कि डोमेन के सभी ऑब्जेक्ट को मैनेज और कंट्रोल करता है। अब सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर या सर्वर 2019 में एक्टिव डायरेक्टरी को कैसे इंस्टॉल करते हैं इसके लिए मैं यहां पर एक वर्चुअल मशीन यूज कर रहा हूं जो कि है नोड वन के नाम से, जिसमें मैं आपको एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विस कैसे इंस्टॉल करते हैं ये परफॉर्म करके दिखाऊंगा। दोस्तों एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विस को इंस्टॉल करने से पहले आपको उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना पड़ेगा। जैसे कि सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है आपके सर्वर मशीन पर एडमिन और एडमिनिस्ट्रेटर यूजर लॉगिन होना चाहिए, जो कि मैं ऑलरेडी फुलफिल कर चुका हूं। आप यहां पर देख भी सकते हैं मेरी इस सर्वर मशीन पर ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेटर नाम का यूजर लॉगिन है। दोस्तों सेकंड रिक्वायरमेंट होती है जिस भी सर्वर मशीन में आप एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विस इंस्टॉल करना चाहते हैं उस सर्वर मशीन की हार्ड डिस्क में 350 MB फ्री स्पेस अवेलेबल होना चाहिए और उसी मशीन में आप एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विस इंस्टॉल कर सकते हो। आप यहां पर देख भी सकते हो कि मेरी इस सर्वर मशीन के अंदर अराउंड 38.9 GB फ्री स्पेस अवेलेबल है। तो सेकंड रिक्वायरमेंट भी मैं फुलफिल कर रहा हूं। थर्ड रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों स्टैटिक आईपी असाइन होना चाहिए आपकी सर्वर मशीन को, डायनेमिकली नहीं होना चाहिए। तो अब मुझे यहां पर आप देख सकते हैं सर्वर मैनेजर के अंदर लोकल सर्वर पर आकर मैंने इस मशीन को अभी स्टैटिक आईपी असाइन नहीं किया हुआ है। तो जल्दी से मैं इस पर क्लिक करता हूं और यहां पर इस मशीन को स्टैटिक आईपी असाइन कर देता हूं। ये 100.1 में स्टैटिक आईपी असाइन कर रहा हूं अपनी सर्वर मशीन को जिसमें मैं एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विस इंस्टॉल करना चाहता हूं। ये आप देख भी सकते हैं कि मैंने इस मशीन को 100.1 आईपी एड्रेस असाइन कर चुका हूं मैं। अब दोस्तों ये तीन रिक्वायरमेंट होती है। पहली रिक्वायरमेंट होती है एडमिन यूजर लॉगिन होना चाहिए आपकी सर्वर मशीन पर। सेकेंड रिक्वायरमेंट होती है 350 MB फ्री स्पेस अवेलेबल होना चाहिए, वो भी मेरी मशीन पर अवेलेबल है। और थर्ड रिक्वायरमेंट होती है स्टैटिक आईपी कॉन्फ़िगर होना चाहिए। ये तीनों रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के बाद आप इस मशीन पर एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विस को इंस्टॉल करने के लिए प्रोसेस कंटिन्यू कर सकते हो। तो कंटिन्यू करने के लिए यानी कि एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विस को इंस्टॉल करने के लिए आप मैनेज एड रोल्स एंड फीचर्स पर क्लिक कीजिएगा। और अब आप यहां पर देख सकते हैं कि एड रोल्स और फीचर्स विजार्ड जो है वो ओपन हो चुका है। नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा, रोल बेस्ड और फीचर बेस्ड इंस्टॉलेशन पर ही चेक मार्क रहने दीजिएगा। नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए, सर्वर नेम देख सकते हैं, आईपी एड्रेस, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा। रोल्स टैब आने के बाद दोस्तों यहां पर आपको ये वाला रोल आपको इंस्टॉल करना है, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। तो एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉल करने के लिए आप इस पे चेक मार्क कीजिएगा, एड फीचर दैट आर रिक्वायर्ड फॉर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, एड फीचर्स पे क्लिक कीजिएगा ताकि ये चेक मार्क हो सके। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि सब रोल्स जो होते हैं वो हमारे फीचर्स पर डिपेंड होते हैं। तो जब भी आप कोई भी रोल इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसके जो डिपेंडेंट
फीचर्स है उसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी आप उस रोल को इंस्टॉल कर सकते हो, वरना नहीं कर पाओगे। तो एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज रोल को चेकमार्क करने के बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा। फीचर्स टैब आपको एज इट इज रहने देना है, यहां पर आपको कोई भी चेकमार्क नहीं करना है, यानी कि कुछ भी इंस्टॉल नहीं करना है, केवल आपको एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज रोल पे चेकमार्क करना है। नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, फीचर्स टैब को एज इट इज रहने दीजिएगा, नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। अब यहां पर जो भी आप रोल इंस्टॉल कर रहे हो एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन यहां पर दिया हुआ है, यहां पर आप इसके बारे में रीड कर सकते हो। नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा। रीस्टार्ट द डेस्टिनेशन सर्वर ऑटोमेटिकली इफ रिक्वायर्ड, यानी कि एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज रोल को इंस्टॉल करने के बाद अगर हमारी सर्वर मशीन को रीबूट की रिक्वायरमेंट होती है तो मुझे कोई भी एडिशनल नोटिफिकेशन दिए बगैर ही सर्वर मशीन ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो जाए, तो उसके लिए आपको यहां पर चेक मार्क करना पड़ेगा। यस पर क्लिक कीजिए और इंस्टॉल पर क्लिक कर दीजिए। तो अब यहां पर दोस्तों एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज रोल जो है उसकी इंस्टॉलेशन कंटिन्यू हो चुकी है। जब तक ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट होती है तब तक मैं वीडियो को पॉज कर देता हूं, कंप्लीट होने के बाद अगेन मैं वीडियो को कंटिन्यू करूंगा। दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज रोल जो है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब यहां पर आपको दोस्तों एक ऑप्शन है, प्रमोट दिस सर्वर टू आवर डोमेन कंट्रोलर, यानी कि अब हम लोग इस मशीन को प्रमोट करना चाहते हैं एज अ डोमेन कंट्रोलर। तो प्रमोट करने के लिए आपको यहां पर क्लिक करना है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। अब देखिए दोस्तों यहां पर क्लिक करने के बाद आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, एड अ डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन, एड अ न्यू डोमेन टू एन एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट, एड अ न्यू फॉरेस्ट। दोस्तों इन फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन को हम लोग कुछ दिन के बाद यानी कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी अगर आप नया डोमेन क्रिएट करना चाहते हैं तो आप एड अ न्यू फॉरेस्ट पे क्लिक कीजिएगा। एड अ न्यू फॉरेस्ट पर चेकमार्क करने के बाद दोस्तों यहां पर आपको अपना डोमेन नेम प्रोवाइड करना है, जिस नेम से भी आप डोमेन क्रिएट करना चाहते हैं। देखिए दोस्तों यहां पर दो चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी है, अगर आप केवल विद इन ऑर्गेनाइजेशन अपने डोमेन को यूज करना चाहते हैं विद इन ऑर्गेनाइजेशन, तो आप यहां पर कोई भी डोमेन नेम डिफाइन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर आप अपने डोमेन को ओवर द इंटरनेट भी यूज करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको डोमेन गोडैडी जैसी ऑर्गेनाइजेशन से परचेज करना पड़ेगा जो कि पूरे वर्ल्ड में यूनिक आप ही का होगा। तो यह चीज हमेशा ध्यान रखना, यहां पर जो भी डोमेन नेम डिफाइन करना चाहते हो या डिसाइड करना चाहते हो आप, अगर आप उस डोमेन को विद इन ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई भी डोमेन नेम डिसाइड कर सकते हो। लेकिन अगर आप अपने डोमेन को ओवर द इंटरनेट यूज करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपना डोमेन गोडैडी जैसी ऑर्गेनाइजेशन से परचेज करना पड़ेगा। तो मैं यहां पर अपना डोमेन नेम डिसाइड कर रहा हूं malik.com, क्योंकि मुझे इस डोमेन को केवल विद इन ऑर्गेनाइजेशन यूज करना है तो मैं किसी भी नेम को यूज कर सकता हूं। तो डोमेन नेम डिसाइड करने के बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा। दोस्तों नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहां पर फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल और डोमेन फंक्शनल लेवल आपको डिसाइड करना है। दोस्तों फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल यानी कि हमारा फॉरेस्ट जो है वो किस लेवल पर वर्क करे और डोमेन किस लेवल पर वर्क करे, ये डिसाइड करने के लिए हम लोग फॉरेस्ट और डोमेन फंक्शनल लेवल डिसाइड करते हैं। सेकंड थिंग यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, जो एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज रोल होता है वो डीएनएस सर्वर पर डिपेंड होता है। यही रीजन है कि जब भी आप एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस को इंस्टॉल करते हैं तो डीएनएस सर्वर जो है ये ऑटोमेटिक इंस्टॉल कर लिया जाता है एक्टिव डायरेक्टरी के द्वारा, क्योंकि ये उसकी डिपेंडेंसीज है। उसके बाद
यहां पर आपको DSRM पासवर्ड डिफाइन करना है, यानी कि डायरेक्टली सर्विसेज रिस्टोर मोड। जनरली दोस्तों हम लोग यहां पर DSRM पासवर्ड के अंदर हम लोग एडमिनिस्ट्रेटर यूजर का ही पासवर्ड डिफाइन कर देते हैं। आगे चल के मैं आपको आगे कुछ वीडियो ऐसी बनाऊंगा जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि डायरेक्टली सर्विसेज रिस्टोर मोड पासवर्ड जो है वो हम लोग किस पर्पज के लिए यूज करते हैं। इसका भी दोस्तों एक यूनिक पर्पज होता है। तो यहां पर DSRM पासवर्ड डिफाइन और उसे कंफर्म करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा, अगेन नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। अब यहां पर आपको अपना नेट बायोस डोमेन नेम वेरीफाई करना है, यानी कि जो आपने अभी प्रीवियस स्क्रीन पर ही जो भी डोमेन नेम डिफाइन किया है अगर आप उसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप एज इट इज रख के नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहां से आप चेंज कर सकते हो। आगे कोई भी अनदर ऑप्शन नहीं मिलेगा डोमेन नेम को चेंज करने के लिए, तो मैं इसको एज इट इज रखता हूं। चाहे तो आप इसे यहां पर भी चेंज कर सकते हो, नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही दोस्तों अब आपके सामने तीन ऑप्शंस दिखाई देगा, एक्टिव डायरेक्टरी का जो डेटाबेस होता है उसका पाथ, एक्टिव डायरेक्टरी के लॉग्स फोल्डर पाथ, सिसवॉल फोल्डर पाथ। यहां पर आपको तीनों डेटाबेस का पाथ आपको दिखाई देगा। दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, एक्टिव डायरेक्टरी का जो डेटाबेस होता है और एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर जब भी आप किसी भी टाइप की एडिटिंग मॉडिफिकेशन करते हैं तो उसके लॉग्स जो सेव होते हैं वो सी ड्राइव के अंदर, विंडोज के अंदर NTDS नाम की डायरेक्टरी के अंदर सेव होते हैं। सेकंड थिंग, सिसवॉल फोल्डर पाथ जो होता है या सिसवॉल फोल्डर जो होता है वो ग्रुप पॉलिसी की इंफॉर्मेशन को होल्ड करता है। डिफॉल्ट पाथ आप यहां से देख सकते हैं, अगर आप डिफॉल्ट पाथ को चेंज करना चाहो तो इस ऑप्शन पे क्लिक करके यहां से आप अपने डिफॉल्ट पाथ को चेंज कर सकते हो। लेकिन दोस्तों मैं अभी डिफॉल्ट पाथ ही यूज कर रहा हूं। डिफॉल्ट पाथ को यूज करने के बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा और यहां से आप अपने पूरे सिलेक्शंस के रिव्यू देख सकते हो कि आपने डोमेन नेम क्या डिफाइन किया है, नेट बायोस नेम क्या डिफाइन किया हुआ है, फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल, डोमेन फंक्शनल लेवल, ये सभी कुछ आप यहां से देख सकते हो। रिव्यू करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों अब प्रीरिक्विजिट्स चेक हो रही है कि एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉल करने के लिए आपकी सर्वर मशीन में रिक्वायरमेंट आपने सभी सक्सेसफुली कंप्लीट की है या नहीं की है। और आप यहां पर देख भी सकते हैं, ऑल प्रीरिक्विजिट्स चेक पास सक्सेसफुल, क्लिक इंस्टॉल टू बिगिन इंस्टॉलेशन। और इंस्टॉलेशन स्टार्ट करने के लिए आपको इंस्टॉल टैब पर क्लिक करना है। और यहां पर आप देख भी सकते हैं कि एक्टिव डायरेक्टरी की जो इंस्टॉलेशन है वो स्टार्ट हो गई है। दोस्तों एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विस इंस्टॉल होने के बाद हमारी मशीन जो है एक बार रीस्टार्ट होती है। तो जब तक ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट होती है मैं अपनी वीडियो को पॉज कर देता हूं और कंप्लीट होने के बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों यहां पर आप देख भी सकते हैं कि एक्टिव डायरेक्टरी की जो इंस्टॉलेशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। कंप्लीट होते ही हमारी सर्वर मशीन जो है एक बार रीस्टार्ट होगी। ये देखिए दोस्तों हमारी वर्चुअल मशीन जो है वो एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद सक्सेसफुली रीस्टार्ट हो चुकी है। अब यहां पर हम लोग लॉग इन करने के लिए कंट्रोल ऑल डिलीट प्रेस करते हैं। और दोस्तों अब आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर लॉगिन स्क्रीन पर ही आपको आपका डोमेन नेम शो हो रहा है, यानी कि मलिक डोमेन के अंदर हम लोग एडमिनिस्ट्रेटर यूजर से लॉगिन करने जा रहे हैं। उसके लिए आप एडमिनिस्ट्रेटर यूजर का पासवर्ड टाइप करके एंटर की प्रेस कीजिएगा। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटर यूजर लॉगिन होने के बाद सर्वर मैनेजर पेज भी सक्सेसफुली लोड हो चुका है। और अब अगर आप यहां पर लोकल सर्वर को सिलेक्ट करें, अब दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारी सर्वर मशीन जो पहले यहां पर वर्क ग्रुप इन्वायरमेंट आया हुआ था अब वो यहां पर डोमेन और डोमेन नेम प्रॉपर डिफाइन कर रहा है।
तो इस तरह दोस्तों हम लोग अपने विंडोज सर्वर 2019 में एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सर्वर 2019 में एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज को हम लोग रिमूव कैसे करते हैं।